लुइस रेमिरेज मिस्त्रे, जिसे कोलंबिया में एल एसेसिनो दे लागा सोगा के नाम से भी जाना जाता है, ने अपने देश के विभिन्न शहरों में कम से कम 30 मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर को मार डाला। उसने उन्हें तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि वे मर नहीं गए। इसे 2012 में 34 साल जेल की सजा सुनाई गई। रेमिरेज 19 से 30 वर्ष के आयु के बीच के मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर को ही मारता था और यह भी सुनिश्चित करता था कि कोई भी हाइट में 1.70 मीटर से अधिक का ना या वजन में 60 किलो से अधिक का ना। ऐसा वो इसलिए करता ताकि वो उसे आसानी से काबू में कर सके। यह उसके रणनीति का हिस्सा था। इस हत्यारे ने व्यक्ति पर भरोसा कायम करने के लिए अपने करिश्मे का फायदा उठाया करता था और पीड़ितों को मोटरसाइकिल टैक्सी में उसे शहर के बाहरी इलाकों में ले जाने के लिए कहता। ये वो जगह होती जो इसने पहले से सुनिश्चित कर रखी होती थी, क्योंकि वो बाइक के पीछे बैठा होता था। जैसे ही वो बताए हुए जगह पर पहुंचता, वैसे ही वो राइडर के पीछे से उसके गले को तब तक दबा के रखता जब तक वो बेहोश ना हो जाए। वो ध्यान रखता कि वो मरे ना, बस बेहोश हो।